तू जानता है कबीर कि आंचल को लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। वो जानती नहीं कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं भाई, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन कभी कभी प्यार में जान देनी पड़ती है ना। अब मैं ये आंचल को कैसे समझाऊं कि मैं अपने छोटे भाई कबीर से कितना प्यार करता हूं, पर ये आंचल है ना, इसके प्यार से मैं नफरत करता हूं। ये बात समझती ही नहीं, समझती ही नहीं। जिस दिन ना वो तुझे प्यार करना बंद कर देगी, उस दिन मेरी नफरत खत्म हो जाएगी कबीर। देख, मेरा भी खून निकला लेकिन उसने मुझे देखा ही नहीं यार। मेरा दर्द कोई समझता ही नहीं, लेकिन ये आंचल है ना, उसका प्यार एक नशा है। जब ये नशा चढ़ता है ना, तो पता नहीं क्या मैं अपना होश खो बैठता हूं। नहीं लगता है। तू मेरी मदद करेगा? मैं आंचल के लिए अच्छा बनना चाहता हूं यार, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार लोग मेरे और आंचल के बीच में आ जाते हैं। तू भी आया, तू भी आया यार। अब तू मत आ, छोड़ दे आंचल को। ओके, आई लव यू मेरे भाई। थैंक यू, आई लव यू मेरे भाई। Trying to call is currently switched off. आंचल है? नहीं सर, बाहर गई है। जैसे आंचल मैडम घर आएंगी, उनसे कहना फौरन मुझसे आकर के मेरे पुराने वाले बंगले में मिले। ओके। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, और क्या कमी रह गई थी कबीर के प्यार में। जब तू छोटा सा हमारे घर आया था, तब से लेकर के आज तक सारा प्यार दिया तुझे, तुझ में और कबीर में कभी कोई फर्क नहीं समझा। अपना तो भरोसा भी तेरे हाथ में लाके रख दिया था बेटा। क्यों क्यों मेरे भरोसे का चूर चूर कर दिया तूने? इस काम में कोई डिले नहीं होना चाहिए, और हाँ, ये प्रोजेक्ट कबीर हैंडल करेगा। आपको चक्कर आने का कारण ब्रेन ट्यूमर है। कितना वक्त है डॉक्टर? सिर्फ 3 महीने। तुम्हें क्या लगा डॉक्टर अग्निहोत्री कि अगर बेटा प्रोजेक्ट में पैसे डाल सकता है तो बाप उस प्रोजेक्ट को रुकवा भी सकता है? सच बताओ रणवीर का सारा सच।
क्यों रणवीर, क्यों क्यों किया पता ऐसा? कबीर तो तुझसे प्यार करता है, तेरे लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है। एक बार कह दिया होता उससे, खुद तेरे रास्ते से हट जाता। अरे तेरे लिए तो आंचल आंचल की बेइज्जती की उसने, ताकि वो तुझसे प्यार कर सके। क्या कर दिया तूने रणवीर? I'm sorry, Dad. मुझे नहीं, उसे कहो जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया है, उसका हक है सच जानने का। आंचल का हक है पूरा सच जानने का। बेटा अगर तूने आंचल से सच्चा प्यार किया है तो अपने सच्चे प्यार का भरोसा दिला उसे, ताकि सब सच बता दे उसे, उसे अपने सच के काबिल समझो बेटा। नहीं नहीं प्लीज, आज मुझसे नफरत करेगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आंचल की नफरत नहीं। प्लीज प्लीज डैड प्लीज, आंचल को झूठ से बहुत नफरत है, प्लीज उसे कुछ मत कहिए। आंचल पर भरोसा रखो रणवीर, शायद तू इसे कभी समझ ही नहीं पाए। वो दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचती है। वो तुम्हें माफ कर देगी, हम सब तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तू खुद को माफ कर पाएगा बेटा? हाँ, अपने आप को माफ कर पाएगा बेटा। अगर मुझे आंचल का प्यार मिलेगा ना, तो पूरी जिंदगी इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। पूरी जिंदगी। अरे आंचल के प्यार पे तेरा कोई हक नहीं है, तेरा हक सिर्फ उसकी माफी का है। इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत करना बेटा। आंचल का प्यार सिर्फ कबीर है, तुम एक समझौता हो, एक छोटा समझौता, तुम्हें पीछे हटना होगा, आंचल को छोड़ना होगा, कबीर और आंचल को एक करना होगा। आप आंचल और मुझे अलग कर देंगे बेटा? बेटा आंचल से तू खुद अलग हो रहा है। आंचल को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता डैड, आंचल सिर्फ मेरी है। रणवीर, आंचल सिर्फ कबीर की है। आंचल सिर्फ मेरी है डैड, आंचल सिर्फ मेरी है डैड, आंचल डैड। आप सब समझते क्यों नहीं, मैं आप सब से इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों डैड आंचल का प्यार हमेशा जीत जाता है। लेकिन डैड आप बेफिक्र रहिए, हाँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप बस आंचल को मुझसे कोई अलग करता है तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। आप सोचिए,
गया। Just relax. रणवीर, मैडम जी, जतिन सर ने आपको पुराने फॉर्म हाउस पे आने को कहा है। ओह, ठीक है। आने के लिए कोई जरूरी बात है। चल, हाँ, डैड यहाँ पे आए थे, लेकिन वो काफी डिप्रेस लग रहे थे, शायद घर की सिचुएशन को देखकर नाराज होके ऐसे ही चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें ही ढूंढने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। आंचल, ओके, ठीक है, हम दोनों साथ जाके ढूंढते हैं। डैड की बहुत फिक्र है ना तुम्हें? कहा था कि कोई जरूरी बात करनी है। तुम कह रहे हो कि डैड डिप्रेस फील कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात करनी है डैड को मुझसे। वो मेरे बारे में बात करना चाहते थे आज। तुम्हारे बारे में क्या? डैड को मेरा सच पता चल गया था आज। वो तुम्हें मेरे सच के बारे में बात करना चाहते थे। कौन सा सच रणवीर? रणवीर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। डैड मुझे कौन सा सच बताना चाहते थे? आवाज कैसे है? मैं चेक करता हूं। क्या आवाज थी? कुछ नहीं, वो स्टेफनी ढीली थी, टाइट कर दिया। चलो, अब कोई आवाज नहीं करेगी। एक सेकंड, मैं देखती हूँ। अभी भी भरोसा नहीं है क्या आचार्य? ठीक, अपना शक पूरा कर लो।
शक पूरा हो गया, अब तुम्हें क्या लगता था कि मैं कुछ गाड़ी में छुपा रहा हूं? शक पूरा हो गया, क्या आप भरोसा करोगी? क्या तुम मेरा सच पहचानोगी? सच क्या है रणवीर? डैड मुझे क्या सच बताना चाहते थे? कि मैं तुमसे प्यार करता हूं आंचल, बहुत बहुत प्यार। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी सांस हो, और अगर कोई मुझसे मेरी धड़कन छीनने की कोशिश करेगा, मेरी सांस छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसकी सांसें रोक दूंगा। जब मुझसे प्यार करोगी ना आंचल, अपनी आंखें खोल के करना, आंखें बंद सिर्फ डर में की जाती है आंचल, और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा डर नहीं। कौन हो रणवीर रायचंद? वो दोस्त का है जिस पर मैं भरोसा करती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या हो? तुम्हारा पति जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, सिर्फ तुमसे, वो रणवीर जिसे आंचल का प्यार सिर्फ हक से चाहिए, भीख में नहीं। डैड इसी बात को लेकर डिप्रेस थे कि उनके दो बेटों में से तुम सिर्फ एक से प्यार कर सकती हो, या कबीर या मैं, और तुम उनके दो बेटों के बीच फंस चुकी हो। अजीब सी बात है ना आंचल, एक से रिश्ता जोड़ लिया और दूसरे का हाथ नहीं छोड़ पा रही। डैड जहां भी है मैं उन्हें ढूंढूंगा, आई प्रॉमिस। फिलहाल मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं। डैड को ढूंढने जा रहा हूं, जो भरोसा तुम नहीं दे सके मैं उन्हें दूंगा कि जो आंचल के लिए ठीक होगा वही होगा। घर जाओ। कौन हो तुम रणवीर? जब दोस्त थे तब दिल में यकीन था, अब तुम्हें पति मानने की कोशिश कर रही हो तो क्यों ये दिल बार बार यकीन करने से मना कर रहा है? किस बात पे शक है, किस बात पे यकीन है, खुद समझ नहीं आ रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.